वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा जो लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह बीए पार्ट वन का पेपर टू में यह प्रोसेस ऑफ सिलेबस स्टडी में यह है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के पूर्व थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैं बताना चाहूंगा। वह यह है कि 1930 महान मंदी के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महान मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई और जिसमें 31 के बाद उस समय का जो मुद्रा जो मान था, मुद्रा का जो वैल्यू था, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो था वो स्वर्ण मान था, उसकी स्थिति डमाडोल होकर उसका शाह गिरने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप महान मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसे आर्थिक संकट से उबरने के लिए विश्व स्तर पर एक सहमति बनाने की प्रयास करीब करीब सभी देशों का पहल प्रारंभ हुआ। उसमें कभी सहमति बनी, कभी सहमति पर आपत्ति हुई, भिन्न भिन्न आर्थिक विचारधाराएं भिन्न भिन्न देशों के बीच यह उत्पन्न हुआ और यह सिलसिला 1943 तक चला। पुनः एक ब्रिटेन वुड्स में इसी पर एक सम्मेलन हुआ, ब्रिटेन वुड्स में 1944 में, जिसमें 44 देश उस सभा में, उस सम्मेलन में उपस्थित हुए और उसी में एक आम सहमति बनी कि महान मंदी के फल स्वरूप या जो भी आर्थिक विपदा की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे उबरने के लिए एक सामूहिक निर्णय पर एक समझौता हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो वित्तीय संस्थाओं का निर्माण किया जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। दो संस्थाओं के निर्माण करने पर एक आम सहमति बनी। पुनः इसके लिए और उसी में एक आपसी संभवता एक संविधान कहिए या एक प्रस्ताव कहिए, वह लागू बनाया और सारी जो भी 44 जो भी सदस्य देश उपस्थित थे, सारे देशों का उस पर आम सहमति बनी, हस्ताक्षर हुआ और यह हुआ कि इसमें वही देश पार्टिसिपेट कर सकता है जो कि यह शर्त मंजूर हो।
जिसके फलस्वरूप वैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हिंदुस्तान में प्रारूप ब्रिटिश काल यानी 1935 से ही देखने को मिलता था, लेकिन जो यह पुनः विस्तारित जो हुई उस विस्तारित प्रारूप को प्रारूप के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो गठन हुआ वह 27 दिसंबर 1945 में उसका जो संविधान था उस पर आम सहमति बनते हुए विधिवत जिसमें 30 सदस्यों का उपस्थिति दर्ज की गई और उसका निर्माण हुआ। तो इस तरह से और उस समय के बाद से आज तक विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्य कर रही है। अब हम यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बारे में हमने अभी स्पष्ट किया, अब हम बिंदुवार एकक पॉइंट को हम इसको यह बोर्ड पर दर्शाया गया है और इसकी चर्चा भी हम करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी।